गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू आर वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ हंसवाहिनी क्लासेस पल्लू। लेट अस स्टार्ट आवर इंग्लिश क्लास। वी वर रीडिंग वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग पढ़ रहे थे अपने वर्ब। वर्ब के कई क्लासिफिकेशन है जो हमने कर लिए हैं। आज एक नए क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं और वो क्लासिफिकेशन है आपका फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, यानी आपकी वर्ब जिसे आप दो भागों में बांटते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इस फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। आज हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का ये मामला, क्या है ये फाइनाइट वर्ब और क्या है नॉन फाइनाइट। आरंभिक क्लास में या पहली क्लास में मैंने आपको जरूर बताया था कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या है। अब देखो और चर्चा करते हैं अपने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की। फाइनाइट वह वर्ब है जो टेंस के अनुकूल चलती है, यानी किसके अनुकूल चलती है, टेंस के अनुकूल। तो इसमें टेंस होता है, ठीक है, यानी यहां टेंस है और नॉन फाइनाइट के अंदर टेंस नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान से देखना है, यानी फाइनाइट में टेंस है और नॉन फाइनाइट में टेंस नहीं है। तो यही अंतर है जो हम करने वाले हैं। अब देखो, टेंस वाली को हम कहेंगे टेंसड वर्ब और इसे कहेंगे टेंसलेस वर्ब। यानी ये टेंसड वर्ब है जो टेंस के अनुकूल चलती है और उसमें टेंस नहीं है, यानी फाइनाइट में टेंस होता है और नॉन फाइनाइट में टेंस नहीं होता। अब ये क्लासिफिकेशन है वो हेल्पिंग वर्ब का है या मेन वर्ब का है या वर्ब का है, ये वर्ब का क्लासिफिकेशन है। इसमें हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों ही शामिल है। इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों का क्लासिफिकेशन है, यानी फाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। तो अब इसे हम बारीकी से समझते हैं कि कहां टेंस है। देखो, इससे पहले थोड़ा सा इसका हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब यहां नॉन फाइनाइट को हम बांटते हैं, डिवाइडेशन करते हैं इसका। ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इसे हम तीन भागों में बांटते हैं, इसे हम तीन भागों में बांटते हैं। इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। यानी आपकी नॉन फाइनाइट है उसके तीन भाग है, इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। ये इसी वर्ब के भाग है। इन्फिनिटिव को भी दो भागों में बांटते हैं अपने। एक तो आपके पास है फुल इन्फिनिटिव, दूसरी है आपके पास बेयर इन्फिनिटिव। जेरंड एक ही है और पार्टिसिपल भी आपके पास दो प्रकार के हैं। एक तो है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। यानी पहले आप वर्ब को बांटते हैं, वर्ब
फाइनाइट और वर्ब नॉन फाइनाइट, यानी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट प्रकार है, उसके बाद फाइनाइट का नहीं है, नॉन फाइनाइट के फिर प्रकार है तीन, कौन कौन से, इनफिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। यहां इनफिनिटिव के दो प्रकार है, फुल इनफिनिटिव और बेर इनफिनिटिव, जेरंड का कोई प्रकार नहीं है, पार्टिसिपल के भी दो प्रकार है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए फुल इंफिनिटिव क्या है, टू प्लस बेस फॉर्म, बेस फॉर्म कौन सी होती है, मूल फॉर्म होती है ना, मूल क्रिया होती है, या यू इसे कहें टू प्लस बेस फॉर्म, इस प्रकार से बना दो, या कभी कभी हम इसे फर्स्ट भी मानते हैं अपनी समझने वाली भाषा में, हालांकि ये फर्स्ट नहीं है, और यहां सीधी बेस फॉर्म होती है, यानी ये 2 प्लस बेस फॉर्म तो किसमें है, फुल इंफिनिटिव में है, ये 2 प्लस बेस फॉर्म है फुल इंफिनिटिव के अंदर, ये बेस फॉर्म है, या यूं कहें 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म या 2 प्लस बेस फॉर्म, ये चीज है इसमें, फुल इंफिनिटिव तो ये है, और ये सीधी बेस फॉर्म है, ये क्या है, सीधी बेस फॉर्म है, यानी इसमें कोई टू वगैरह नहीं है, सीधी बेस फॉर्म है, या यूं कहें ये सीधी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, बेस फॉर्म है, या अपने इसे फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। और ये जो जेरंड है ये बेस फॉर्म में आईएनजी होता है, क्या होता है, बेस फॉर्म में आईएनजी होता है जेरंड। और फिर पार्टिसिपल की बात करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है आपका बेस फॉर्म के साथ आईएनजी, जो बेस फॉर्म है उसी, सॉरी हाँ, बेस फॉर्म के साथ आईएनजी, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देखो जेरंड और पार्टिस, प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों एक जैसे ही होते हैं। फिर बात करते हैं अपना पास्ट पार्टिसिपल की, तो जिसे आप वी थर्ड नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, वी थर्ड नाम देते हैं, और वो भी कौन सा है, यानी या तो ईडी या फिर अंत में ईएन होता है कि नहीं होता, जिसे थर्ड फॉर्म जिसे आप कह रहे हैं, यानी कल आपने रेगुलर और इरेगुलर में बनाया था, जैसे मान लो आपके पास है इट, एट, इटन, तो अंत में क्या आ गया, ईएन आ गया, उसी प्रकार जैसे मान लो प्ले, प्लेड, प्लेड, ईएन आ गया तो ईडी आ गया, तो आप ये कह सकते हैं कि वह वर्ब जिसमें ईडी लगा हुआ हो, या वह वर्ब जिसमें ईएन लगा हो, या इसे आप थर्ड फॉर्म भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। तो एक बार फिर देखो इस क्लासिफिकेशन को, वर्ब जिसे आप फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब दो भागों में बांटते हैं, फाइनाइट में टेंस होता है और नॉन फाइनाइट में टेंस नहीं होता है, टेंस होता है इसलिए टेंसड वर्ब कहेंगे, टेंस नहीं होता है तो टेंसलेस वर्ब कहेंगे। अब नॉन फाइनाइट को तीन भागों में, इनफिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल, इनफिनिटिव को दो भागों में, फुल इनफिनिटिव और बेर इनफिनिटिव, जेरंड अकेला है एक ही भाग है, और पार्टिसिपल भी दो है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, ये सारे वर्ब के रूप है, वर्ब के प्रकार है। फुल इंफिनिटिव के अंदर होता है टू प्लस बेस फॉर्म, यानी आप जिसे फर्स्ट फॉर्म कहते हैं या बेस फॉर्म कहते हैं उससे पहले टू लगता है तो वो आपकी हो जाएगी फुल इंफिनिटिव, और अगर टू नहीं लगता सीधी फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म है तब हो जाएगी बेर इंफिनिटिव। बेर इंफिनिटिव को हम प्लेन इंफिनिटिव भी कहते हैं, या विदाउट टू इंफिनिटिव भी हम इसे कह सकते हैं। जेरंड अकेला है, बेस फॉर्म में आईएनजी है, पार्टिसिपल दो है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल बेस फॉर्म के साथ आईएनजी, और पास्ट पार्टिसिपल में ये जो बेस फॉर्म होती है उसके या तो ईडी लगा के बनाया जाता है, या फिर ईएन लगा के बनाया जा सकता है, या फिर कोई और बदलाव करके आप तैयार करते हैं, वो आपका पास्ट पार्टिसिपल है। अब ये क्लासिफिकेशन है, अब इस सारे क्लासिफिकेशन को हम डिटेल से पढ़ेंगे, सारे को हम क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम फाइनाइट वर्ब की ही बात कर लेते हैं, तब तक हम इसे यहां से हटा देते हैं। इस क्लासिफिकेशन से आप कुछ तो समझ गए होंगे कि कौन सी वर्ब कहां होती है और कौन सी कहां होती है।
जैसे एक तो याद रखना हेल्पिंग वर्ब वो सारी की सारी हमारी क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब फाइनाइट होती है। अब सारी नहीं, दो तीन बीच में है अपने, ये देखो हेल्पिंग और मेन वर्ब का क्लासिफिकेशन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों होता है। तो अपने यू कह सकते हैं दिस क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब यानी ये क्लासिफिकेशन टेंस के अनुसार है, जिसमें टेंस है, जिसमें टेंस है वो फाइनाइट है और टेंस नहीं है वो नॉन फाइनाइट है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वाक्य बनाने समय इनका प्रयोग करते हैं या अपने नहीं करते हैं। देखो कौन कौन सी वर्ब आपकी यहाँ फाइनाइट में है और कौन सी नॉन फाइनाइट में है, इनको आप डिटेल से लिख लो, समझ बाद में लेना एक एक करके। सबसे पहले अपने साइक्रिया की बात करते हैं। आपके पास साइक्रिया कितनी है, चॉइस। हेल्पिंग वर्ब कितनी है, चॉइस। एजेमार वाज वर इस प्रकार चॉइस है, लेकिन आपको मैंने जब हेल्पिंग वर्ब करवाई थी तो आपको 28 बताई थी, तो 28 में चार और कौन सी है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। तो 28 हेल्पिंग वर्ब टोटल कितनी है, 28 हेल्पिंग वर्ब है, 28 में से 24 यहां है और चार वहां है। तो 24 हेल्प यानी हेल्पिंग वर्ब फाइनाइट है, हेल्पिंग वर्ब फाइनाइट है, लेकिन कितनी है, 24 हेल्पिंग वर्ब फाइनाइट है और हेल्पिंग वर्ब चार यहां है। इजेमार वाज वर हेल्पिंग वर्ब। अब देखो वो चार कर लोगे तो बाकी इधर है। चार ये कौन कौन सी है, एक तो है आपकी बी बीन बींग और हैविंग, ये चार नॉन फाइनाइट है, बाकी चॉइस क्या है आपकी फाइनाइट। चॉइस कौन सी, इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड डू डज डिड और सारे मॉडल कौन से, कैन कुड विल वुड सेल शुड मे माइट मस्ट यूज्ड आउट डेयर नीड, ये सारे के सारे मॉडल क्या है। तो मॉडल तो हमेशा ही फाइनाइट रहते हैं और हेल्पिंग वर्ब की हम बात करते हैं क्योंकि मॉडल हेल्पिंग वर्ब का ही भाग है, है? और अगर ये कहते कि प्राइमरी हमेशा फाइनाइट है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चारों ऑप्शन किसके, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के हैं। तो मॉडल हमेशा क्या होते हैं आपके, फाइनाइट ही होते हैं, मॉडल हमेशा फाइनाइट होते हैं। तो ये तो बात आ गई हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब टोटल आपके पास 28 है, जिनमें से 24 हेल्पिंग वर्ब तो फाइनाइट है और चार ये जो लिखी हुई है ये क्या है, नॉन फाइनाइट है। अब देखो मेन वर्ब की बात करते हैं। आप टेंस पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, उन टेंस के अंदर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव वाक्य में ये जो बेस्ट फॉर्म या जिसे आप फर्स्ट फॉर्म नाम देते हैं या फिर क्या कहते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ अस या इस, फर्स्ट फॉर्म के साथ अस या आप इस का प्रयोग करते हैं। तो आपकी यानी एक तो ये हो गया, दूसरा ये कौन से टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, यानी वाक्य भी कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट, अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल टेंस, ठीक है। बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म कहते हैं आसिया, आसिया यस तो हमेशा ही क्या है, आसिया यस तो हम ये अब देखो ये दोनों आप जब टेंस पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ते हैं तो वहां सब्जेक्ट वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है वो किसके अनुसार होता है, कौन सी वर्ब के अनुसार, यानी अगर बहुवचन करता है तो फर्स्ट फॉर्म और एकवचन करता है तो एसआईएस लगेगा, तो वो फर्स्ट फॉर्म और एसआईएस केवल और केवल किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का।
नेगेटिव और इंट्रोवेटिव यहां शामिल नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी, और तीसरी बात होती है पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं या अपने सेकंड, ये सेकंड को सेकंड है किसी का यूज में ली जाती है। कहा सेंटेंस कैसा होता है आपके पास? अफर्मेटिव सेंटेंस। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से का होता है? पास्ट सिंपल टेंस का, पास्ट सिंपल है टेंस, ठीक है। तो ये लिमिट है, बिल्कुल लिमिट है ये, यानी चॉइस साइक्रिया अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का या पास्ट सिंपल का है। प्रेजेंट सिंपल का है तो फर्स्ट फॉर्म एसआईएस या सेकंड फॉर्म, इतना ही मामला है आपका फाइनाइट वर्ब में। अब याद करो चॉइस तो हो गई है हेल्पिंग वर्ब, इसके अलावा प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है उसकी फर्स्ट फॉर्म या फिर एसआईएस लगावाओ, या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट टेंस का तो ये सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म तो कहीं हो, सेकंड फॉर्म तो कहीं हो आपकी क्या होगी? फाइनाइट होगी। एसआईएस लगाया तो भी आपका क्या होगा? फाइनाइट। परंतु ये जो फॉर्म है वो जगह जगह आती है, ये फाइनाइट भी बन सकती है और नॉन फाइनाइट है। फाइनाइट कब है? जब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में है, अन्यथा ये हर जगह क्या होगी? नॉन फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट का कौन सा भाग होगा? ये इनफिनिटिव। और इनफिनिटिव का कौन सा भाग होगा? ये बेयर इनफिनिटिव, जिसे आप प्लेन इनफिनिटिव या विदाउट टू इनफिनिटिव भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म केवल और केवल कहां पर है? अफर्मेटिव सेंटेंस, कौन से टेंस का? प्रेजेंट सिंपल टेंस का, ठीक है। तो चॉइस साइक्रिया ये हो गई, और एक ये प्रकार हो गया, और एक ये सेकंड फॉर्म, यानी जो पास्ट फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म हमेशा किसकी होती है? फाइनाइट वर्ब की। इतना ही मामला है, बाकी बची हुई सारी की सारी वर्ब है वो किसमें? नॉन फाइनाइट में है। तो आप नॉन फाइनाइट में एक तो देखो, चार तो हेल्पिंग वर्ब तो हो ही गई, ये जैसे टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस, अब प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसका ये अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनता है तो डू या डज लग जाता है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब तो फाइनाइट है, लेकिन उसके बाद जो फर्स्ट फॉर्म है वो फाइनाइट नहीं है। अब ये फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस की है? कौन से टेंस में है? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं है, ये नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में है। इसमें नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका? प्रेजेंट सिंपल का। देखो अफर्मेटिव में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो फाइनाइट है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या आपकी? नॉन फाइनाइट है, ठीक है। ऐसा ही यहां है, यहां तो देखो सेकंड फॉर्म है अफर्मेटिव में, लेकिन जैसे आप इसे नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते तो साइक्रिया नीड आ जाती है, और उसके बाद भी आपकी पास वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म आती है या बेस फॉर्म जिसे आप कहते हैं। और ये किस में है? या तो आपका नेगेटिव सेंटेंस है या फिर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये कौन से टेंस का है? पास्ट सिंपल, हो गया। उसके अलावा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो किसी भी टेंस में नहीं आती, ना प्रेजेंट में ना पास्ट में आती है मेन वर्ब के अंदर, तो फिर फ्यूचर में इसे फिर शामिल करते हैं मॉडल के बाद, या यूं बोले साइक्रिया, यानी जितनी भी साइक्रिया है आपकी भी, दो तो ये हो गया एन, दो तो ये हो गई डू और डज, और एक ये हो गई डिड भी। देखो यहां पर तो था आपके डू और डज के बाद, तो डू और डज तो फाइनाइट है ही है क्योंकि ये साइक्रिया है, परंतु ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है जो नॉन फाइनाइट है। और यहां क्या है? डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो डिड तो साइक्रिया है ही, परंतु फर्स्ट फॉर्म आपकी क्या हो गई? नॉन फाइनाइट है, यानी इंफिनिटिव हो गई। इसके अलावा फ्यूचर की आप बात करते हैं तो उसमें विल और सेल के साथ, यानी आप
विल और सेल है, इनके साथ जो बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म है आपकी, ये फर्स्ट फॉर्म भी हमेशा क्या होती है, नॉन फाइनाइट। यानी विल और सेल तो आपकी साइक्रिया है, ये तो फाइनाइट है ही है, ये तो फाइनाइट है ही है, परंतु इसके बाद जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये नॉन फाइनाइट है, ठीक है। इसके अलावा इनका प्रयोग कई जगह और किया जाता है, तो वहां भी ये इन्फिनिटिव यानी नॉन फाइनाइट है। और इसके अलावा बेस फॉर्म में आईएनजी या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, चाहे जेरंड के रूप में है या चाहे पार्टिसिपल के रूप में है, या फिर आप यूं कहें वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जिसमें वर्ब के साथ या तो ईडी लगा हुआ है या फिर ईएन लगा हुआ है वर्ब के साथ, तो ये आपके नॉन फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट में चॉइस साइक्रिया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म है और एसआईएस लगा हुआ है, पास्ट सिंपल टेंस की सेकंड फॉर्म। बस इतना सा ही मामला आपका है फाइनाइट, बाकी बचा हुआ सारा का सारा क्या है, नॉन फाइनाइट है। तो साइक्रिया में तो मॉडल सारे शामिल है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब फाइनाइट भी होती है और नॉन फाइनाइट भी होती है, परंतु मॉडल सारे के सारे क्या है, फाइनाइट है। All models are finite verbs. सारे मॉडल क्या है, फाइनाइट वर्ब्स है। अब देखो ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले जैसे अपने फाइनाइट की बात करते हैं, ए फाइनाइट वर्ब इज लिमिटेड, यानी सीमित कर दी जाती है, या यू के रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, बाधित की जाती है, या यू कहीं इसे बदल दी जाती है, चेंज कर दी जाती है। ए फाइनाइट वर्ब इज लिमिटेड और रेस्ट्रिक्ट और चेंज्ड बाय अकॉर्डिंग टू, अब ये किसके अनुसार होता है, टेंस, क्या एक टेंस ही है, बिल्कुल नहीं है भाई, टेंस के अलावा भी है, टेंस या यू नंबर यहां डाल देते हैं, टेंस पर्सन नंबर और एक मूड भी शामिल होता है। हालांकि मूड तो हर सेंटेंस में होता है, मूड तो हर सेंटेंस में होता है। अब देखो इन चारों के अनुसार, और यहां पर्सन और नंबर का तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आपकी फाइनाइट वर्ब है वो लिमिट कर दी जाती है, सीमित की जाती है, या रेस्ट्रिक्ट यानी बाधित कर दी जाती है, या फिर चेंज बदल दी जाती है, किसके अनुसार, टेंस पर्सन नंबर और मूड के अनुसार। हालांकि मूड तो सभी में ही है, ठीक है ना, जो भी सेंटेंस होगा उसमें आपका मूड होगा ही होगा। अब देखो अपने बात करते हैं टेंस पर्सन और नंबर के अनुसार किस प्रकार से ये सेंटेंस होता है। हाँ एक चीज आपको ध्यान में रखना है, टेंस तो बिल्कुल मुख्य होता है, या कहें तो ऑब्लिगेटरी एलिमेंट होता है, टेंस है वो ऑब्लिगेटरी एलिमेंट है, और किसका है, फाइनाइट वर्ब का, ठीक है ना, या यू कहें
टेंस इज द ऑब्लिगेटरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट वर्ब। ऑब्लिगेटरी क्या होता है? अनिवार्य, कंपल्सरी। अब देखो आपके पास एक वाक्य है, जैसे ही प्लेज चेस, ही प्लेज चेस, आपकी वर्ब है, एस लगा हुआ है, एस लगाया हुआ फाइनाइट तो है, श्योर है। अब जैसे ही आप, ये तो टेंस है, कौन सा? प्रेजेंट टेंस। अगर आपको पास्ट करना हो तो ये वर्ब बदल जाती है, ही प्लेड चेस, वर्ब बदल गई, ये भी फाइनाइट वर्ब है। कौन सी वर्ब है? फाइनाइट, और ये भी आपकी फाइनाइट वर्ब है। टेंस के अनुसार जैसे प्रेजेंट से आप पास्ट में आए तो ये चेंज हो गई, यानी लिमिट रेस्ट्रिकेट या चेंज, तो ये चेंज एक समझ लो आप, यानी यहां से आप यहां आए, यानी प्रेजेंट से पास्ट में आए तो बदल गई, तो यानी ये प्लेस यहां पर बदल गई, तो ये आपकी कौन सी वर्ब हो गई? फाइनाइट वर्ब हो गई, ठीक है। अब अपने नंबर और पर्सन की बात करते हैं। जैसे ये वाक्य आपके पास प्रेजेंट का है, ही प्लेज चेस, ही प्लेज चेस, परंतु यहां पर आ जाए दे, तो क्या दे के साथ प्लेज आएगा क्या? प्रेजेंट का ही वाक्य बनाना है तो दे के साथ प्ले, यानी सॉरी प्ले के साथ ऐसा आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा भाई, ये तो सिंगुलर के साथ आता है, क्योंकि ही सिंगुलर है, तो यहां ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसमें एस लगा हुआ था और यहां एस नहीं लगा हुआ है, और ये वर्ब बदल गई है, तो ये वर्ब कौन सी? आपकी फाइनाइट वर्ब। टेंस एक ही है, इसमें इसी में प्रेजेंट टेंस है और इसी में प्रेजेंट टेंस है, लेकिन ये वर्ब बदल गई, और वर्ब बदली है किसके आधार पर? नंबर के आधार पर, यानी ये तो आपका सिंगुलर नंबर था, कौन सा था? सिंगुलर नंबर, और ये आपका है प्लूरल नंबर, ठीक है, ये प्लूरल नंबर हो गया। उसके अलावा जैसे पर्सन के आधार पर कैसे बदलते हैं, तो पर्सन के आधार पर हम कंटीन्यूअस एस्पेक्ट वाले वाक्य बदलते हैं, तो आप देखिए, तो देखिए अपने वाक्य बनाते हैं, ही इज प्लेइंग चेस, He is playing chess. अब यहां पर ही की जगह आप क्या कर रहे हैं? दे कर रहे हैं, तो इसकी जगह क्या हो गया? आर, दे आर प्लेइंग चेस। अगर आप यहां आई कर रहे हैं तो आई एम प्लेइंग चेस। वर्ब ये और ये वर्ब, वर्ब 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 और वर्ब, एक इनमें कॉमन क्या है कि ये जो आपकी मेन वर्ब है इसमें प्लेइंग 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 है, बदल नहीं रही, यानी पर्सन और नंबर, पर्सन सिंगुलर है और ये पर्सन आपका क्या है? प्लूरल है। अब देखिए सॉरी, पर्सन क्या? नंबर, यानी ये नंबर सिंगुलर है और ये नंबर प्लूरल है, और हम पर्सन की बात करते हैं तो ये तो आपका थर्ड पर्सन है, और ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है। अब देखो जैसा थर्ड पर्सन में था ऐसा फर्स्ट में नहीं है, आई के साथ एम लग गया, तो ये जो वर्ब, ये भी, यानी ये भी आपकी वर्ब है और ये भी वर्ब, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब। अब देखिए ये जो आपकी वर्ब है वो फाइनाइट है, कौन सी है? फाइनाइट, क्योंकि ये बदल रही है, परंतु ये वाली नहीं बदल रही, तो ये क्या है? नॉन फाइनाइट है, यानी तीनों में, यानी ये आपके पर्सन के अनुसार नहीं बदल रही, यहां तक आप टेंस बदल दोगे तो भी ये नहीं बदलने वाली है। जैसे ये
क्लब्स हैं, प्लेइंग है, चेस, दे आर प्लेइंग चेस। तो देखो वॉज और आर बदल रहा है, लेकिन प्लेइंग तो यही है भाई, यहां भी प्लेइंग, यहां भी प्लेइंग, ये प्रेजेंट के है और यहां भी प्लेइंग है और ये पास्ट का हो गया, तो ये नहीं बदल रही है, वो तो नॉन फाइनाइट है, और बदल रही है वो फाइनाइट है। तो ये आपके नॉन फाइनाइट और फाइनाइट का फर्क है। तो यानी फाइनाइट वर्ब तो वह है जो टेंस, पर्सन, नंबर और मूड के अनुसार चेंज, रेस्टिकेट या लिमिट हो जाती है, और इसकी ठीक उल्टी परिभाषा अगर तैयार करते हैं तो वो हो जाएगी आपके नॉन फाइनाइट की। तो वो कौन सी होगी? नॉन फाइनाइट। ए नॉन फाइनाइट वर्ब इज नॉट लिमिटेड, रेस्टिकेट और चेंज्ड बाय अकॉर्डिंग टू टेंस, पर्सन, नंबर और मूड। ठीक है, क्या कहा गया है कि नॉन फाइनाइट है वो, इज नॉट लिमिटेड, सीमित नहीं होती, न रेस्टिकेट होती है, न चेंज होती है, किसके अनुसार है? टेंस, पर्सन, नंबर, मूड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और वो आप उदाहरण देख ही चुके हैं। देखिए आप एक टेंस की बात कर लेते हैं, टेंस की बात कर लेते हैं कि टेंस यहां पर प्रेजेंट है, यानी इस वाक्य में टेंस कौन सा है? प्रेजेंट, ही इज प्लेइंग चेस और ही वाज प्लेइंग चेस, और इसमें क्या है? टेंस है, पास्ट है, यानी यहां प्रेजेंट टेंस है इस वाक्य में और यहां पर पास्ट टेंस है। अब इसमें आपकी नॉन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट कौन सी है? प्लेइंग, तो यहां भी प्लेइंग था और यहां भी प्लेइंग है, जरा सा भी चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। अब देखिए ये तो बात कर ली टेंस की, उसी प्रकार जैसे आप पर्सन की बात करते हैं तो ये तो आपके पास थर्ड पर्सन है और ये कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है। तो प्लेइंग तो थर्ड पर्सन में भी आई है और फर्स्ट पर्सन में आई है, चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर की, तो नंबर की बात करते हैं तो नंबर में ये आपके पास सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो प्लेइंग में कोई बदलाव आया क्या? नहीं आया, तो ये वर्ब आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो अब आप समझ गए कि कौन सी फाइनाइट होती है और कौन सी नॉन फाइनाइट है। यही ध्यान रखना है कि जो टेंस के अनुसार बदले या पर्सन और अपने कह सकते हैं नंबर मूड के अनुसार बदले तो वो तो हमारी फाइनाइट है, अगर नहीं बदलती है तो वो नॉन फाइनाइट है। तो आप इन वाक्यों में अच्छी प्रकार से या भली भांति तरीके से देख सकते हैं। जैसे एक दो वाक्य और देखो आप, लता इज गोइंग टू बाई ऑरेंज, दे आर गोइंग टू बाई ऑरेंज, आई एम गोइंग टू बाई ऑरेंज, और एक लिख लेते हैं अपनी, सी वॉज गोइंग टू बाई ऑरेंज। अब देखिए इसमें वर्ब कितनी है, इज वर्ब है इस वाक्य में, बिल्कुल है, इसमें भी है और यहां यहां भी है, टू प्रीपोजिशन है क्या? नहीं है, ये टू यहां पर है, वर्ब का भाग है, आर गोइंग तो सेम ही है, एम वॉज गोइंग, गोइंग टू बाई टू बाई। अब देखो कॉमन क्या है इसमें, यानी पहले तो बात करते हैं अपने पर्सन की,
यानी पहले नंबर की बात करते हैं, ये आपके पास सिंगुलर है यानी एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, और ये प्लूरल है, तो सिंगुलर से प्लूरल में आते ही इस किसमें बदल गया, आर में, ठीक है। अब दोबारा देखिए, ये आपका थर्ड पर्सन है और आप जैसे ही फर्स्ट पर्सन में आए तो आपने क्या लगा दिया, एम लगा दिया, बदल गया। और ये तो तीनों में क्या था, प्रेजेंट टेंस, और जैसे ही पास्ट में आए तो यहां क्या हो गया, वॉज हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो इज आर एम वॉज, ये बदलाव हो रहा है, बदलाव हो रहा है, ये आपकी वर्ब है, क्या है, ये आपकी वर्ब है। अब आगे देखिए गोइंग, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, और ये भी वर्ब है, उसी प्रकार वर्ब 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 और वर्ब। अब हमें देखना है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट देखना है, तो देखिए इज आर एम वाज ये बदल रहे हैं, बदल रहे हैं, तो ये कौन सी वर्ब होगी आपकी, फाइनाइट वर्ब होगी, कौन सी होगी आपकी, फाइनाइट वर्ब होगी, ठीक है। परंतु गोइंग बदला क्या, नहीं बदला, यानी लता का आपने दे कर दिया, या दे की जगह आई लिख दिया, या फिर सी लिख दिया, या प्रेजेंट का पास्ट कर दिया, इसके बावजूद भी गोइंग 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 कोई बदलाव नहीं आया, नहीं बदलाव आया, तो ये कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट, कौन सी है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है भाई। अब देखो अगली वर्ब टू बाय, अब देखो टू बाय है, क्या ये बदला है, इसमें नहीं बदला, देखो लता का दे होगा परंतु ये नहीं बदला, ये नहीं बदला, ये नहीं बदला, टेंस भी चेंज हो गया, नहीं बदला, तो ये वर्ब भी आपकी कौन सी होगी, नॉन फाइनाइट होगी। ठीक है, यानी ये तो आपकी फाइनाइट है और ये दोनों क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो संक्षिप्त में आज हमने इसकी जानकारी प्राप्त की कि कौन सी फाइनाइट है और कौन सी नॉन फाइनाइट, कल इनको डिटेल से और पढ़ेंगे, और विशेषकर नॉन फाइनाइट को, क्योंकि फाइनाइट का प्रयोग तो आपको आता ही है जो टेंस के अनुकूल है, आप नॉन फाइनाइट जरूर पढ़ोगे कल, और दो चार वाक्य में आपको डाल के देता हूं, आप मुझे ये बताना कि इनमें कौन सी फाइनाइट वर्ब है और कौन सी नॉन फाइनाइट है, इस चीज का आप पता लगा के बताओगे, हैं? देखो मैंने जैसे वाक्य डाल दिया, लीला इज प्लेइंग चेस, एक नंबर वाक्य है, और मैंने आपसे पूछ लिया अंडरलाइन करके कि इज कौन सी वर्ब है, तो आप उत्तर दोगे कमेंट बॉक्स के अंदर, तो इस प्रकार से दे देगा, एक में अगर ये फाइनाइट है तो एफ लिख दो, ठीक है, अगर ये फाइनाइट नहीं है तो इतना लिख देना, नॉन फाइनाइट, ठीक है, इतना सा बताना है, तो ये इज क्या आपकी फाइनाइट है, तो इसका उत्तर क्या हो गया, एफ। ये थोड़ा सा बिल्कुल संक्षिप्त आप लिख देना, तो ऐसे में आपको पांच वाक्य डालता हूं और आप उनमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट छांट लेना भाई।
अब मैंने जिन जिन वर्ब को अंडरलाइन किया ये पांचों को ढंग से आप देख लो और आपको कमेंट बॉक्स में शॉर्टकट में बताना एक नंबर कौन सी है, फाइनाइट है क्या, दो नंबर पे जो अंडरलाइन अंडरलाइन वर्ब बतानी है आपको, जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है ये वर्ब आपको बतानी है, ठीक है, कि इन एक नंबर क्या है, फाइनाइट है तो एफ लिख देना, एक नंबर एफ है ना, आप कमेंट बॉक्स में इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक दो तीन चार, एक मिनट के अंदर आपका उत्तर हो जाएगा, फाइनाइट नॉन फाइनाइट फाइनाइट नॉन फाइनाइट जैसा भी हो आप उत्तर बता देना। तो आज की क्लास को अपने यही संपन्न करते हैं, आपने इस क्लास को अंत तक देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।